लीला क्रमांक पूर्वार्ध 128 सारंग पंडित की ज्वर निवृत्ति। राजा महादेव राय की पत्नी वैजाय ने वैजनाथ मंदिर बनवाया था। वैजाय रानी ने ब्राह्मणों को जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया। इस आर्थिक सहयोग के लिए पैठन के सारंग पंडित को भी आमंत्रित किया गया था। वे कटक देवगिरी में गए। इस आर्थिक सहयोग की अनुदान सूची में उनका नाम लिखा गया। जब उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार होना था और अदर्थ उन्हें पुनः देवगिरी में बुलाया गया तो वे ज्वर से पीड़ित हो गए। तब सारंग पंडित ने अपने मन में सोचा कि इस समय उन्हें सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी के पास ही जाना चाहिए। वहां जाने के बाद यदि उनकी मौत हो जाए तो भी अच्छा है और ज्वर निवृत्ति हो जाए तो भी भगवान के पास ही जाना उचित है। उन्होंने पालकी किराए पर ली और नगर के बाहर के रास्ते से वे भगवान के पास पहुंचे। दयालु भगवान ने सारंग पंडित को ज्वर आक्रांत स्थिति में वहां आने पर कहा, अरे पांडे, इस ज्वर आक्रांत स्थिति में तुम कैसे यहां आ गए? इस पर उन्होंने भगवान को दंडो प्रणाम करके कहा, भगवान, आज मैंने देवगिरी में साक्षात्कार के लिए जाना था पर ज्वर के कारण वहां जाने में असमर्थ हूं। इस पर दया के सागर भगवान ने पांडे से कहा, क्या हम तुम्हें इस ज्वर की व्याधि से इस समय मुक्त कर दें? उत्तर में पांडे ने कहा, आपकी दया दृष्टि से सब कुछ संभव है। फिर भगवान ने कहा, पांडे, तुम्हारे ज्वर को हमने दूर कर दिया है, तुम अब अपने घर जाओ, स्नान करो और उसके बाद भोजन करो। भगवान से आज्ञा लेकर वे घर गए और उन्होंने वैसा ही किया। उनका ज्वर शांत हो गया। अपने आप को स्वस्थ अनुभव करते हुए वे देवगिरी में गए। वहां उनका साक्षात्कार हुआ और वे उसी दिन वापस पैठन में अपने घर पहुंच गए। घर आकर उन्होंने स्नान और भोजन किया, फिर वे सो गए। दूसरे दिन वे प्रातःकाल के समय भगवान के दर्शनार्थ आए। भगवान के चरणों को स्पर्श कर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और भगवान की श्री मूर्ति को निहारते हुए सम्मुख बैठ गए। तो भगवान ने प्रश्न करते हुए कहा, पांडे, तुम कब देवगिरी से वापिस आए? उत्तर में पांडे ने कहा, भगवान, मैं कल ही वापिस आ गया था। फिर भगवान ने उन्हें कहा कि वे कल ही मिलने के लिए क्यों नहीं आए? इस पर पांडे ने कहा, भगवान, वापिस आने में देर हो गई थी और भागम भाग में थकावट बहुत हो गई थी, अतः आपके दर्शनार्थ कल नहीं आ सका। फिर भगवान ने कहा, पांडे, कल वाला ज्वर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, वह अपना भोग भोगना चाहता है। इस पर पांडे ने कहा, भगवान, वह कल ही चला गया था। फिर भगवान ने कहा, पांडे, कल तुम्हारे साक्षात्कार के लिए उसे हमने अपने समर्थ से रोक दिया था, वह तुम्हारा कर्म भोग है, भोगे बिना वह समाप्त नहीं होगा, यह सृष्टि की व्यवस्था है, उसका प्रभाव कम किया जा सकता है पर भोग नहीं। इस पर सारंग पंडित ने कहा, भगवान, यदि ऐसा है तो उसे आपके सन्निधान में ही आने दो, स्वागत है, आपके पास रहकर ही उसे भोग लेता हूं। ऐसा कहते ही वह ज्वर वापिस लौट आया। वहीं भगवान के पास ही थोड़ी दूर पर वे बिस्तर पर लेट गए। भगवान के चरणों को वे पानी के रूप में ग्रहण करते और भोजन के थाल में ही शेष बचे प्रसाद को ही वे भोजन के रूप में ग्रहण करते। इस प्रकार सारंग पंडित 18 दिन तक ज्वर की पीड़ा को सहन करते रहे। इसके बाद वे ज्वर की पीड़ा से मुक्त हो गए तो भगवान ने सारंग पंडित से कहा, पांडे, अब कैसा लग रहा है? उत्तर में उन्होंने कहा, भगवान, आपकी कृपा से ज्वर शांत हो गया, आपके सन्निधान में ज्वर ने अधिक दुखी नहीं किया। इस पर भगवान ने कहा, पांडे, आप स्नान करके भोजन करो और सुख से जीवन का निर्वाह करो। उसके बाद सारंग पंडित ने मन ही मन गदगद होकर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान, आप कृपा करके आज मेरे घर पर ही भोजन करें। दयालु भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फिर वे अपने घर गए। वहां उन्होंने अपनी पत्नी उमाइसा को भगवान के लिए भोजन तैयार करने के लिए कहा। कुछ देर बाद भोजन तैयार हो जाने पर वे स्वयं भगवान को अपने घर ले जाने के लिए आए। भगवान उनके साथ उनके घर गए। साथ में बाइसा और हंस राजा भी सारंग पंडित के घर गई। वहां उन्होंने भगवान के शरीर पर सुगंधित तेल से मालिश कर कोसे पानी से स्नान करवाया। उच्च सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की। सारंग पंडित नाना पकवानों से युक्त भोजन का थाल लगाकर ले आए। भगवान ने भोजन किया। बाइसा और हंस राजा ने पंक्ति में बैठकर भोजन किया। कुल्ला करने के बाद भगवान को पान का बीड़ा लगाकर दिया। थोड़ी देर बाद भगवान वापिस भोग नारायण मंदिर में चले आए। लीला का हेतु। 18 दिन तक भगवान के पास रहकर उन्होंने ज्वर की पीड़ा को सहन किया। भगवान की कृपा से ही सारंग पंडित को राज दरबार से आर्थिक अनुदान प्राप्त हुआ था। भगवान ने सारंग पंडित को जो पहली बार मंदिर के उद्घाटन के समय महारानी के पास भेजा था, उस समय वहां से वापिस आने के बाद सारंग पंडित भगवान के दर्शनार्थ आ जाते तो उन्हें साक्षात्कार पर जाते समय ज्वर की पीड़ा ना होती। यह ज्वर उन्हें किसी दैविक शोक के कारण आया था कि उनके कर्म भोग के अनुसार आया था, यह प्रश्न है। इसके समाधान में कहा गया है कि 18 दिन तक इसका दुख भोगने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ज्वर
कर्म भोग के कारण ही था। भगवान ने अवशक्ति के सामर्थ्य से ज्वर को एक दिन के लिए रुकवा दिया था। देवता ने ज्वर के दुख का संपादन किया था। परमेश्वर की इच्छा को ध्यान में रखते हुए माया ने एक दिन के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। सारंग पंडित ने भगवान की पूजा अर्चना कर उन्हें अपने घर ले जाकर उन्हें भोजन खिलाया, इसका उन्हें पुण्य फल प्राप्त होगा। महारानी वैजयंती ने तीर्थ क्षेत्र की जो सेवा की उससे उसे युग धर्म का फल प्राप्त होगा। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने सारंग पंडित को महारानी वैजयंती के पास भेजा था। उन्हें आशा नहीं थी कि उन्हें महारानी से अनुदान प्राप्त होगा। भगवान के सामर्थ्य से ही उनसे बिना कुछ पूछे ही उन्हें प्रतिवर्ष 6800 अनुदान के रूप में प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त उन्हें कृषि के लिए खेत, रहने के लिए घर, एक सेवक, एक बैंक आदि वस्तुएं महारानी ने अनुदान में प्राप्त की। प्रत्यक्ष रूप में भगवान की कृपा से सारंग पंडित को उपयुक्त वस्तुएं उपलब्ध हुई। अंक इला क्रमांक पूर्वाध 128 यहाँ संपूर्ण।